वेलकम ब्रेक फ्रेंड्स, आज आपके सामने है ओनर ऑफ द व्हाइट एटिका कार मिस्टर फयाज भाई, जिनकी कार हमने फुल मतलब लोडेड की हुई है एसेसरीज से, जो जितना दिल था हमारा भी एक्सक्लूसिव करने का, और फयाज भाई ने भी पूरे दिल से हमारे पास गाड़ी छोड़ी थी कि तनवीर भाई आपको जो ठीक लगता है वो कीजिए। अभी फयाज भाई से पूछना चाहते हैं कि हमारा वर्क, हमारी मेहनत फयाज भाई को कैसी लगी? तनु भाई, एक नंबर काम हुआ है, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कहीं अच्छा हुआ है। इसके लिए मैंने आपको डे वन में बोल दिया था, आपके हिसाब से बनाइए, जो भी बना ना आपके हिसाब से बनाइए, और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कहीं ज्यादा बेस्ट हुआ है। और मैं तो और भी मेरे दोस्तों को भी रिकमेंड करूंगा कि तनु भाई के पास आओ, क्योंकि वो गाड़ी का काम नहीं करते, वो अपना दिल लगाते उसके अंदर और दिल से करते। और इंटीरियर जो फर्स्ट हमने पूरा का पूरा रैप किया हुआ है, इन द सेंस सेकंड, एक महीने पहले वीडियो में भी व्हाइट का जो डाला था, अभी जो किया सेल्टोस भी आपने देखी थी, जो इंटीरियर, जो पहले आप भी वुडन का ही कॉन्सेप्ट करने के लिए आए थे, लेकिन जो इंटीरियर हमने रैपिंग की हुई है, कुछ कैसा एक्सक्लूसिव और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको यूज करके? इंटीरियर इसके पहले वाले वीडियो में भी मैं आपका देखा था, और लोगों के इसमें तो वो इंटीरियर रैपिंग आया नहीं, फर्स्ट टाइम आपके इसमें देखा था, लेकिन जो आपने मेरी गाड़ी में किया हुआ है एकदम लग्जरियस फील आता है इसमें। बैठने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं मारुति में बैठा हूँ। थैंक यू फयाज भाई फॉर ट्रस्टिंग अस। और जो DRL जो आगे जो फर्स्ट हमने इंट्रोड्यूस की हुई है, जो फुल DRL, जैसे जो दिन में भी, रात की तो टाइम उसकी तो फैंटास्टिक है, अभी जैसे दिन में भी आप चलते हैं तो उसका इफेक्ट कैसा आता है DRLs का? DRLs का इफेक्ट काफी अच्छा है, और वो एक हिसाब से वो हमने नया ट्रेंड जैसा किया सेल्टोस में था, yes. वो हिसाब से किया हुआ है, एकदम वंडरफुल लगता है देखने के बाद। कम से कम मतलब आदमी एक बार सामने वाला, मैंने गौर किया सामने वाला मिरर के अंदर भी एक बार ऐसे देखते रहता है कि पीछे कौन सी गाड़ी है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये सेल्टोस है कि और कोई दूसरी गाड़ी है। थैंक यू फयाज भाई, थैंक यू वंस अगेन फॉर ट्रस्टिंग अस। थैंक यू सर, थैंक यू अमजान। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज तनवीर फ्रॉम वी गाटो एसेसरीज वाशी, एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज आपके सामने लेके आया न्यू एटिका व्हाइट कलर विद द एक्सक्लूसिव इंटीरियर वर्क हैज बीन डन। एटिका बहुत कार हमने भी फिट की है, आपने भी देखी है, लेकिन ये कुछ डिफरेंट है। स्टार्ट करते हैं इंटीरियर से। द इंटीरियर हैज बीन रैप, एम्ब्रल कलर हैज बीन यूज इन दिस कार, वुडन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं हमने किया हुआ है, विद द हाई ग्लॉसी ब्लैक कलर का पेंट हमने यूज किए हुए हैं ये पैनलिंग्स के अंदर। लेदर रैपिंग पूरी की हुई है, आज दिन तक जो लेदर रैपिंग भी है सिर्फ आप आमरेश पोर्शन में भी देख सकते हो, द फुल लेदर रैपिंग हैज बीन यूज इन दिस कार। सी द फिनिशिंग, स्टेरिंग हैज बीन हैंड स्टिच। डैशबोर्ड पोर्शन स्टार्ट करते हैं, यहाँ से एजिंग देख सकते हैं, क्वालिटी दे सकते हैं, जो ग्रेन्स हैं आप कंपेयर कर सकते हैं, सेम टू सेम है जो हम लेदर यूज़ करते हैं, टोटली इटालियन लेदर है। जो सेंटर पोर्शन हम आते हैं, ये फिनिशिंग आप देख सकते हैं, लेफ्ट डोर की आप फिनिशिंग देखिए विद अ हाई ग्लॉस। जो एसी के पैनल्स वो ब्लैक ही आते हैं कार के अंदर। सीट कवर हैज़ बीन यूज इन द टू टोन भी कैसा, खाली हाईलाइटिंग के लिए हमने ब्राउन कलर यूज़ किया हुआ है, स्टिचिंग के लिए अपर पोर्शन हमने पैटर्न यूज़ किया हुआ है, सेंटर पोर्शन हमने परफोरेशन यूज़ किया हुआ है, एंड सेम कलर की मैट यूज़ की हुई है। गियर की भी आप जो गियर नॉब्स हैं इसकी आप फिनिशिंग देख सकते हैं, गियर नॉब की सेंटर आमरेश जो हमने आफ्टर मार्केट सेंटर आमरेश लगाया हुआ है, लेकिन उसमें भी हमने लेदर रैप्स किए हुए हैं सेम कलर के। बैक डोर पोर्शन में आते हैं हम, लेदर रैपिंग, ब्लैक पियानो जो हमने पेंट किया हुआ है हाई ग्लॉसी के साथ, पिलर्स। सी द फिनिशिंग ऑफ द पिलर, जो लास्ट का पिलर है वो वन पीस पूरा हमने रैप किया हुआ है, कोई भी जॉइंट वगैरह बिल्कुल नहीं है, कुछ डिफरेंट करने की हमने कोशिश की हुई है ये कार के अंदर। एक लेदर फिनिशिंग का एक लुक देते हैं आपको, वाओ व्हाट ए फिनिशिंग। हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट पोर्शन में, जो फ्रंट पोर्शन ऑफ द कार में भी आते हैं, हमने ऑक्सफर्ड DRL फुल वाली लगाई हुई है, वो एक नाइट मोड में मैं आपको ज़रूर उसमें बताना चाहूँगा।
विद द मैट्रिक्स इंडिकेटर के साथ इज लुकिंग फैंटास्टिक। जो हमने डिफ्यूजर लगाए हुए हैं ब्लैक विद द हाई ग्लॉसी स्पार्कलिंग ब्लैक कलर के पेंट के साथ लगाए हुए हैं इसके अंदर, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। प्रोजेक्टर्स लगाए हुए हैं हमने फोक लाइट्स में। आज दिन तक जो भी है हम रेगुलर फोक लाइट देखते हैं या DRL टाइप आप देखते हैं, इसके अंदर हमने ओरिजिनल प्रोजेक्टर लगाए हुए हैं सॉकेट टू सॉकेट वाले, क्योंकि आपको अभी दो प्रोजेक्टर मिलते हैं लो बीम में भी और फोक लाइट में भी प्रोजेक्टर लगाए हुए हैं। हमने फोक लाइट्स के DRL वगैरह नहीं लगाए हैं क्योंकि ऑक्सफर्ड DRL की इतनी हाई क्लियरिटीज़ वगैरह, तो उसके सामने वो कुछ बहुत फीके पड़ते हैं। आप फिनिशिंग देख सकते हैं फ्रंट पोर्शन ऑफ द कार में। साइड पोर्शन ऑफ द कार में हम आते हैं, मैक व्हील नहीं है, व्हील कैप है ये वाले, लेकिन सी द फिनिशिंग ऑफ द जो ओरिजिनल जो व्हील मैक व्हील आते हैं वो डिज़ाइन के व्हील कैप है, वो रेगुलर वाले नहीं है, ये ओरिजिनल मेड इन टाइवान के व्हील कैप्स आते हैं। लेकिन सी द फिनिशिंग वगैरह, खास करके मैं और नज़दीक बताना चाहता हूँ कि आप गैप भी बिल्कुल नहीं बता सकते, बाकी जो भी आज दिन तक व्हील कैप लगे हुए हैं उसमें थोड़े बहुत किधर ना किधर से गैप आपको आएंगे ही आएंगे। लोअर गार्निश हमने ये कार में लगाई हुई है फुल वाली, जो हम स्टार्ट टू एंड वाली इसमें लगाई हुई है। डोर वाइजर लगाया हुआ है, गो फार कैरियर लगाया हुआ है, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कैरियर की तो हमने उन्हें सजेस्ट किया कि ये गो फार कैरियर लगाइए। साइड क्लैडिंग हमने लगाई हुई है, लेकिन एक साइड वे ऑफ द कार का एक लुक देना चाहते हैं आपको। वाइट कलर कार हैज़ बीन रैप इन द टू टोन रैपिंग इन द सेंस, एक हल्का सा क्रोमियम वर्क हमने यूज़ किया हुआ है और बाकी जो है ब्लैक पियानो किट हमने लगाई हुई है, लेकिन जो एक व्हील कैप लगाने से गाड़ी का गेटअप आप देख सकते हैं क्या है। रियर पोर्शन ऑफ द कार में हम आते हैं, स्पॉइलर हमने लगाया हुआ है विद द LED वन वाले स्पॉइलर लगाए हुए हैं, वो रेगुलर वाले जो आते हैं वो बिल्कुल नहीं लगाए हुए हैं। डिफ्यूज़र, बैक डिफ्यूज़र, फुल डिफ्यूज़र, दिस इज एक्चुअली सेफ्टी एंड लुक ऑफ द कार आप देख सकते हैं, और सेम टू सेम कलर के हमने लगाए हुए हैं ये कार के अंदर। 360 डिग्री कैमरा हमने लगाया हुआ है, रियर कैमरे की फिटमेंट इधर है, एक फ्रंट में लगता है और दो मिरर में लगते हैं कैमरे। प्लेयर में आते हैं, प्लेयर में आते हैं, 2GB रैम 32GB मेमोरी के साथ हमने लगाया हुआ है विद द DSP सेटिंग। DSP सेटिंग में DSP प्रॉपरली लिख के आता है, इट्स अ 32 बैंड इक्विलाइजर के साथ है। दिस इज द रिवर्स मोड, आप क्लियरिटी देख सकते हैं, रिवर्स जैसे ही निकाल दिया, दिस इज द फ्रंट लेफ्ट इंडिकेटर, आप मोशन देख सकते हैं टायर के। प्लस ये बोलना चाहता हूँ कि ये प्लस रिकॉर्डिंग के साथ है, DVR के साथ है, आपको अलग से DVR वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आज मेन कॉन्सेप्ट था हमारा, जो इंटीरियर रैपिंग हैज़ बीन डन इन दिस कार, इट्स वंडरफुल एंड फैंटास्टिक, और बहुत मेहनत भी लगी है हमारी आप लोगों के लिए। ये सेंटर पोर्शन हैज़ बीन रैप, और एक साइड व्यू आपको देते हैं विद द गो फार कैरियर, स्पॉइलर, व्हील कैप, एवरीथिंग के साथ। जो वापस मैं बोलना चाहता हूँ, जो DRL भी हमने इंट्रोड्यूस की हुई है वो न्यू है, आज दिन तक आपने नहीं देखी रहेगी, लेकिन वो नाइट मोड में मैं आपको बताऊंगा वो वाली चीज़ का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हम भी बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। ड्राइव सेफली एंड थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन।